ये क्या था? मुझे उसके ख्याल दोबारा क्यों आ रहे? आज उसने सबके लिए खाना बनाया था ना, और सबको खाना बहुत अच्छा लगा था, सबने बहुत तारीफ की थी, और मैं उसको थैंक्स नहीं बोला, शायद कहीं इसीलिए। तो एक काम करता हूँ, उसको थैंक्स बोल के ना बात खत्म करता हूँ। ये लीजिए मैम, लेटेस्ट डिजाइन है। परी देख, अब राजीव का फोन है, उठा लूं? मैं तेरी सास हूँ क्या जो मुझसे पूछ रही? तेरा हस्बैंड है, जी भर के बातें कर। चुप कर, मैं बस अभी आई। हेलो। हाँ राजीव, थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। वो एक्चुअली तुम्हारा खाना ना सबको बहुत अच्छा लगा था, और मुझे भी। अच्छा ठीक है, बिजी हूँ, रखता हूँ, बाय बाय। थैंक यू। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है। मुझे भी बता दे, मैं भी मुस्कुरा लूं थोड़ा सा। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो राजीव ने ना मुझे थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ऑफिस का सारा प्रेशर उन पे ही है, फिर भी उन्होंने मुझे फोन किया था। फिर क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, एक्चुअली आज जब राजीव ऑफिस जा रहे थे ना, उन्होंने मुझे टिफिन देने से मना कर दिया था। उनके सारे दोस्त शेयर करके खाते हैं ना, तो वो भूखे रह जाते हैं। एक मिनट, आई एम श्योर, 100% श्योर हूँ, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए कि आपने उन्हें खाना बना के भेज दिया है ना। पता है नीति, इतने बिजी रहने के बाद भी उन्होंने मुझे फोन किया, मेरे खाने की तारीफ की। मुझे लगा जैसे वो मुझे फोन ही नहीं करेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्वीट है, मैंने ये गलत सोच लिया था। मतलब राजीव तो बहुत प्यार करता है यार तुझसे, मुझसे भी ज्यादा। अब इसका जवाब तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ना उनकी। स्मार्ट आंसर लड़की, कल्चरल कंसल्टेंट के साथ साथ ना तुझे पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, स्कोप दिख रहा है मुझे अच्छा खासा तेरा। नहीं नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं बनना, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स बता रही थी। थैंक्स बोलते फोन काट दिया, कहीं इसको बुरा तो नहीं लगा होगा? अच्छी बात है अगर बुरा लगा होगा तो। इनफैक्ट उसको मेरी हर बात का ना बुरा लगना चाहिए, ताकि जब मैं उसको छोड़ के जाने की बात करूँ तो उसको हर्ट ना हो। गुड राजीव, गुड। आज रात को उसको मिलूंगा ना, तो आई विल मेक श्योर कि वो मुझे हेट करने लगे। गुड राजीव, तेरा प्लान बहुत सही जा रहा है। गुड 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 गुड। नहीं यार कुछ और दिखाओ, ये वाली देख। नहीं इतना कोई खास नहीं है, और कुछ देख। मैम दिस वन। नहीं यार नीति देखना, ये वाली भी अच्छी है। नहीं यार ये भी नहीं अच्छी, यार मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। मैं कब से इसे ढूंढ रही हूँ और तूने पहना हुआ है। नीति ये हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। यही डिजाइन चाहिए मुझे, एकदम सेम टू सेम। पर मैम आप अपनी फ्रेंड का मंगलसूत्र उतार कर मैं वापस दीजिए ना, मेरे पास और भी कस्टमर्स है, प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए मैम। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मंगलसूत्र नहीं खरीदूंगी? खरीदूंगी, इसी सेम डिजाइन का देखा था मैंने, कहाँ है दिखाओ मुझे। हाँ और हाँ, अपने कस्टमर्स के साथ ना अच्छे से पेश आया करो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में। तू इसका मंगलसूत्र वापस दे दे, किसी और सुहागन का मंगलसूत्र पहनने से अपशगुन हो जाता है। अपशगुन? व्हाट नॉनसेंस। अपने दोस्त का मंगलसूत्र पहनने का मतलब तू उसका सुहाग ले रही है। तू तेरा और तेरी दोस्त और उसकी पति का रिश्ता तू आपस में उलझा रही है बेटा। माँ जी ये ना बेकार के वहम है, आप प्लीज अपनी सोच अपने पास रखिए और मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए मैम, जो पीस आपको चाहिए था वही एग्जैक्ट सेम पीस। परी ये देख, सेम टू सेम। अरे यार परी उन्हें छोड़, ओल्ड व्हीकल है यार, तू ये पहन के दिखा मुझे। हम्म,
तो ये मत कहना कि मैंने तुझे नया मंगलसूत्र पहना दिया या फिर अपने वाले से एक्सचेंज कर दिया तो हम दोनों के पति ही एक्सचेंज हो जाएंगे। अरे यार ये ज्वेलरी पीस है, सुहाग की निशानी, असली सुहाग नहीं है। नहीं नीति, मंगलसूत्र सिर्फ ज्वेलरी या सुहाग की निशानी नहीं होती, वो खुद सुहाग होता है, इसलिए उसे पहनाया जाता है और पति के ना रहने पे उसे उतारा जाता है, समझी? अरे यार परी ये बेकार की बातें होती है, ज्वेलरी भी तो हमारे कपड़ों की तरह ही है ना यार, उसे भी तो हम एक्सचेंज करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिसने उसे पहन लिया वो उसी का हो गया। नीति, मंगलसूत्र और कपड़ों में फर्क होता है। मंगलसूत्र एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर या किसी के साथ बदलने पर अपशगुन होता है, ऐसा नहीं करते नीति। अच्छा ठीक है बाबा, अब पूरा मंगलसूत्र का पुराण सुनाएगी क्या मुझे? वैसे सही डिसीजन था मेरा तुझे कल्चरल कंसल्टेंट बनाने का। ठीक है, ये वाला पैक कर दो, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा है। श्योर मैम, आपकी बिलिंग काउंटर में होगी, आप वहाँ आ जाइए। ओके, थैंक यू यार परी मेरे साथ आने के लिए। तुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा चल तुझे ड्रॉप कर देती हूँ घर। अच्छा सुन, मुझे ना घर से पहले मार्केट में ड्रॉप कर देना, वो कल पूजा है ना तो कुछ सामान खरीदना है। ओके, जहाँ तू बोलेगी वहाँ ड्रॉप कर दूंगी। ओके चल। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? दरवाजा खुला है? पापा जी रक्षा करना। नीते! पर तुम बिना बताए से, मतलब कैसे, चाबी कैसे मिली तुम्हें? चाबी तुमने तो दी थी, सेपरेट चाबी बनवाई थी, याद नहीं है? तुम ना हर चीज भूल जाती हो। I know, मैं भूल गई यार संजू, धनी क्या हो गया मुझे? अच्छा सुनो, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है संजू। देखो बातें बाद में, पहले हम पियेंगे गर्म गर्म चाय। अगर ये चाय ठंडी होगी ना तो मैं दोबारा गर्म नहीं करने वाला। ये लीजिए गर्म गर्म संजू के हाथ की चाय। खुशबू तो अच्छी है। ठीक है देखो, कमाल कर दिया यार संजू, आर्टिस्ट। सुन मेरे, हाँ तुम क्या बोल रहे थे? संजू देखो, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों अपनी फैमिलीज को अपनी शादी पे नहीं बुलाएंगे। हाँ किया था, लेकिन उसका रीजन भी दिया था मैंने। आई नो, पर ना मैंने अपनी मम्मी को इनवाइट कर लिया यार, वो कल आ रही है हमारी शादी अटेंड करने। देखो सॉरी संजू, प्लीज गुस्सा मत करना। आई नो ये डिसीजन हमने मिलके लिया था कि किसी को नहीं बुलाएंगे, पर तुम्हें पता है मेरी दोस्त ने ना मुझे समझाया कि ये शादी करके मैं खुद का सपना तो पूरा कर लूंगी, लेकिन मेरी मम्मी के सपने का क्या यार, जिन्होंने मेरी शादी के लिए पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। उनका सपना है मेरी शादी देखना है संजू, एंड ऑनेस्टली मैंने बचपन से बहुत बार सुना है उनके मुँह से, पता है अपने हाथों से मुझे मेहंदी, शगुन का जोड़ा और बहुत कुछ करना चाहती हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम इस पे इतना नर्वस क्यों हो रही हो? और देखो तुम्हारी फैमिली से हमारी शादी में कोई घर का बड़ा होगा, हमें आशीर्वाद भी दे देंगे आंटी। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे ना शादी के एंगेजमेंट की, तब मुझे मेरी फैमिली को बुलाने में, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को बुलाने में प्रॉब्लम थी, तब सिचुएशन नॉर्मल है। एंड ऑनेस्टली अगर तुमने आंटी को बुलाया ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ बी हैप्पी। सच्ची थैंक यू संजू यार, मैं काम का इतना स्ट्रेस ले रही थी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर तुमने अपनी मम्मी को बुलाया तो मैं भी अपनी मम्मी को बुलाऊंगा या ताई जी को बुलाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। देखो पर संजू, अगर मम्मी ने पूछा दूल्हे वालों की तरफ से तो मैं उसके सारे आंसर्स दूंगा, डोंट वरी, मैं मैनेज करूंगा। अच्छा। तुम चल कर। हाँ और अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब भी तुम्हारे पास नहीं होगा तो झूठ बोल दूंगा, तो मैं उनको कन्विंस कर लूंगा कि मैं तुम्हारे लिए राइट पर्सन हूँ, उनकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा प्यार करूंगा। आई विल मैनेज इट, डोंट वरी। थैंक यू संजू यार, तुम्हें पता है टेंशन के मारे ना मेरा बीपी लो हो गया था। क्या बात कर रही हो, अब ठीक है? तुमने सारी टेंशन खत्म कर दी, रियली माय स्वीट हबी। अच्छा बताओ इस वक्त क्यों है, कुछ बोलना था तुम्हें? अरे मैं तो भूल ही गया था, एक्चुअली मुझे ना एक कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी थी और मेरे बॉस ने बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर नहीं की ना तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, मुझे। अच्छा ठीक है, वर्क इज वर्शिप,
पहले काम बाकी सब बाद में. ऑल द बेस्ट फॉर यू मीटिंग. जा. ओके बाय. अंजू बीना चाय तो सच में अच्छी बनाई. हाँ पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो इस जन्म में संजू मिला है मुझे. मम्मी के आने के बाद कितनी लाइटली लिया उसने. आई लव यू संजू. आई लव यू टू नीति. यही बोलने तो आया था यहाँ पे लेकिन तुम्हारे मुँह से सुन के ना बहुत अच्छा लगा. अब मैंने डिसाइड किया कि शादी के बाद ना मैं बर्तन में खुद दूंगा. सच्ची? मजाक कर रहा हूँ. अच्छा ठीक है. बाय बाय. सी यू. लव यू. मिस यू. बाय. ये लड़का भी ना. राजीव कहाँ रह गया था? वीर जी वो ऑफिस गया था. आजकल बहुत काम है ऑफिस में ना. तुम्हें पता ना कि मुझे झूठ पसंद नहीं है तो मेरे से तो झूठ बिल्कुल मत बोला कर तू. इसी मैं झूठ नहीं. मैं तेरे ऑफिस गया था. वहां से गुजर रहा था तेरा दोस्त है ना जय. हाँ. वो मुझे मिल गया वहां पे. उसने बोला कि राजीव का टिफिन लेते जाओ. वो ऑफिस से कहीं भाग गया. वो वीर जी उस वक्त ना वो फील्ड वर्क आ गया था वहां गया था. और चुप कर मेरी गल सुन रामलाल. उसके बाद क्या हुआ मैं तेरे ऑफिस के अंदर गया तो वहां मुझे तेरा बॉस मिल गया. बड़ी अजीब सी बातें कर रहा था. कहता कि तेरी बीबी खाना बड़ा स्वाद बनाती है. उसकी बेटी का जन्मदिन है तो केटरिंग करेगी क्या? तो फिर आपने क्या बोला? मना कर दिया और क्या बोलता. लेकिन उसके बाद मैं घर आया ना यहाँ पे भी सेम स्टोरी. हर कोई परी के खाने की तारीफ कर रहा है. चंद्रिका ने बताया कि ताई जी की दोस्त आई हुई थी यहाँ पे और परी ने उनके लिए खाना बनाया. बड़ी तारीफ कर रहे थे उसके खाने की कि भाई खाना बड़ा स्वाद बनाती है. वही एक गलते है उस कुड़ी ने ना सब पे जादू कर दिया. सबका दिल जीत लिया. वो किधर फोन आ गया? एक मिनट. त्या आज के बाद ना अगर तूने मेरे से झूठ बोला तो मैं ताई जी को बोल दूंगा. उसके बाद ताई जी जाने और तू जाने. समझ गया? चल. हेलो. हाँ हाँ. अच्छा बता नहीं सकता था. हाँ वीर जी यहाँ पे. कब से इशारा तो कर रहा था ना मैं कि निकलो वीर जी. बड़ा देख ही नहीं रहे हो. ठीक है इग्नोर नहीं कर सकता था. बड़े वीर जी है ना. तू तो स्ट्रेस मत ले यार. स्ट्रेस मैं नहीं. स्ट्रेस तो आपको हो रहा है आजकल. आप बताओ सब ठीक है? हाँ सब ठीक है. क्यों? अच्छा सुनो कई लंच की तारीफ करने के लिए अपनी परी भाभी को फोन वोन तो नहीं किया ना? क्योंकि अगर जरा सी भी तारीफ कर दी ना तो परी भाभी फ्लैट हो जाएगी और उन्हें लगेगा कि आप उन्हें बहुत लाइक करते हो. यार कॉल तो मैंने कर दिया. हाँ? लेकिन मैंने कुछ ज्यादा खास तारीफ नहीं की. ये खास बस क्या होता है? तारीफ तारीफ होती है. अगर जरा सी भी कर दी ना तो आप तो गए. नहीं नहीं इतना बड़ा बेवकूफी नहीं हूँ मैं. तूने समझाया था ना तो मैं समझ गया था. ऐसी गलती थोड़ा ना करता. चल मैं मिलता हूँ. वाह बाबा जी इसे कहते हैं अपना टाइम आएगा. एक जमाना था जब ये मुझे समझाते थे और आज मैं नहीं गाइड कर रहा हूँ. हाँ जय. संजू वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना यार. सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ. हाँ हाँ हाँ. और राजीव मैं मैरिज कल्चरल कंसल्टेंट बनना चाहती हूँ. क्या? कैसे समझाऊं? मैं दिखाई तो दे रहा हूँ. क्वालिटी ठीक है ना वीडियो की? हाँ. मेरा मतलब मैं भी थोड़ी बिजी हो जाऊंगी ना. तुम तो ऑलरेडी इतने ज्यादा बिजी रहते हो. बिजी रहना अच्छी बात होती है. तो मैं काम कर सकती हूँ? आवाज आ रही है तुझे मेरी? हाँ. अगर मैं बाहर काम करूं और बिजी रहूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या? मैं कह रही हूं अगर मैं बाहर काम करूं और बिजी रहूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम? अरे इससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी शादी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करो. क्या हो राजीव? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी.
ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लाइफ में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हो. वो कहते हैं ना उसे, YOLO, you only live once. लाइफ एक ही बार मिलती है, हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. आई एम प्राउड ऑफ यू. औरतें भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती हैं. जब राजीव काम पे चला जाए करेगा, तू घर में बैठ के क्या करेगी? पढ़ाई करके जब तू नौकरी करेगी और राजीव का साथ देगी तो उसे अच्छा लगेगा. थैंक यू राजीव, थैंक यू. राजीव कितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो कितना सपोर्ट करते हैं मुझे. वो चाहते तो मुझे मना भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. अगर उनके सिवा कोई और होता ना तो शायद वो मुझे मना कर देता. अभी शादी हुई है ना मेरी, वो चाहता कि मैं पहले फैमिली संभालूं और ये जॉब वगैरह बाद में करूं. लेकिन राजीव ने ऐसा नहीं किया. थैंक यू बाबा जी और थैंक यू बाबू जी, आपने मेरी शादी राजीव से कराई. थैंक यू. चल यार, मीटिंग तो हुई, फिर से सो गया. राजीव, लगता है कल रात को वीडियो कॉल करते करते सो गया होगा. मेरा लैपटॉप, ऐसा परी ने किया होगा. लेकिन इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए हो? गुड मॉर्निंग भाभी. अच्छा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. पूजा की तैयारियां? आज तो मुहूर्त 11 बजे का मुहूर्त था, अभी से तैयार है क्यों? मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ.